भवन से ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी, आपको बता दें कि सोमवार को भारत की पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे और उनकी ये यात्रा भारत और कंबोडिया के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने की 70वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में हो रही है और दोनों देशों के बीच वर्ष 1952 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद। ये तस्वीरें आज के क्षण की गवाह हैं और साफ तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है। औपचारिक स्वागत इनका यहाँ पर किया जा रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है। कूटनीतिक जो संबंध हैं स्थापित हुए हैं वो लगातार यहाँ से एक नई दिशा उनको मिलती हुई नज़र आएगी। तो राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 60 साल में किसी कंबोडियाई राजा की ये पहली भारत यात्रा है और इससे पहले मौजूदा राजा सिहामोनी के पिता वर्ष 1963 में भारत आए थे और उसके बाद अब कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी भारत की यात्रा पर हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा उनका है और गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। Thank you.
और आप देख सकते हैं कि कंबोडियाई राजा यहाँ पर जो तमाम गणमान्य लोग हैं उनसे मुलाकात करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साथ मौजूद हैं। गार्ड ऑफ ऑनर इन्हें दिया गया और अब उसके बाद सबसे मुलाकात करते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा उनका होने वाला है, क्योंकि इसमें तमाम वार्ताएँ होनी हैं, तमाम जो नीतिगत फैसले हैं, जो रणनीतियां हैं, उन पर भी विचार विमर्श होना है और दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो और ज़्यादा प्रगाढ़ और ज़्यादा मजबूत होते हुए इस दौरे के बाद से नज़र आएंगे। तो कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी को आप देख रहे हैं और ये भारत की पहली राजकीय यात्रा पर वो पहुँचे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है और तमाम जो गणमान्य लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो भारत और कंबोडिया के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने की 70वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में वो भारत आए हैं और ये दौरा उनका काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच साल 1952 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे और उसके बाद से ये लगातार मजबूती पकड़ता हुआ ये संबंध, और अब और ज़्यादा इनके दौरे से ये संबंध और ज़्यादा मजबूत होते हुए नज़र आएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है। और आपको ये भी बता दें कि 60 साल में किसी कंबोडियाई राजा की ये पहली भारत की यात्रा है और इससे पहले मौजूदा राजा सिहामोनी के पिता वर्ष 1963 में भारत आए थे और उसके बाद से अब कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी भारत की यात्रा पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर साथ में मौजूद हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गार्ड ऑफ ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया और उसके बाद अब तमाम गणमान्य लोगों से इन्होंने मुलाकात की और उसके बाद तमाम इनका जो शेड्यूल है वो रहने वाला है, और क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनका ये पूरा दौरा है, नीतिगत फैसले और रणनीतियाँ जो हैं वो बनती हुई नज़र आएंगी, तमाम जो समीकरण हैं वो यहाँ पर मजबूत होते हुए नज़र आएंगे, वैश्विक जो चुनौतियाँ हैं उनसे कैसे पार पाना है और किस तरह से भारत और कंबोडिया आपस में साझेदारी आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और कैसे जो वैश्विक चुनौतियाँ उनका सामना कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर बातचीत होने की संभावना है। तो काफ़ी उम्मीद उनके इस दौरे से जताई जा रही है और इस दौरे को लेकर तमाम तैयारियाँ पहले से हैं और राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी पुराने संबंध जिनको नई मजबूती, नई दिशा, नई गति देने के लिए लगातार अग्रसर होकर अब दोनों देश एक साथ आए हैं और ये क्षण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से उनका औपचारिक स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद अब आगे तमाम शेड्यूल हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी बैठक होनी है, उसमें भी तमाम रणनीतियाँ बनती हुई नज़र आएंगी और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ भी जो बैठक है वो होनी है। तो आप देख सकते हैं वार्तालाप यहाँ पर होती हुई और लगातार जो औपचारिक स्वागत है वो यहाँ पर किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं।
नीतिगत फैसलों की बात करें, दोनों देशों के जो बीच मजबूती है वो और ज़्यादा कैसे प्रगाढ़ हो, आने वाले समय में कैसे दोनों देश और ज़्यादा विकसित हो सकते हैं और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं, जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनका किस तरह से सामना करना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि दोनों देश जब साथ मिलकर बैठेंगे तो तमाम जो वैश्विक चुनौतियाँ हैं उनका निवारण, उनकी समस्या का जो हल है उस पर खास फोकस रहने वाला है। और इस बैठक से तमाम जो हल निकलते हुए नज़र आएंगे जो आने वाले समय में दोनों देशों के लिए काफ़ी फलदायी साबित होते हुए नज़र आएंगे। तो आप देख सकते हैं औपचारिक स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसके बाद कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी ने लोगों से मुलाकात की, जो तमाम गणमान्य लोग थे उनसे मुलाकात की, शिष्टाचार भेंट हुई है और उसके बाद अब वो यहाँ से जाते हुए